हेलो दोस्तों, मैं गुफरान उस्मानी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक क्वेरी आई थी कि घन फुट और वर्ग फुट में अंतर बताइए। तो घन फुट और वर्ग फुट में क्या अंतर होता है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है। क्षेत्रफल मीन्स एरिया और वॉल्यूम यानी कि आयतन में क्या अंतर होता है। तो हम समझते हैं इनके पहले शब्द को कि जो वर्ग शब्द लगता है और घन शब्द लगता है। जब भी किसी भी प्लाट का या किसी भी घर का उसका एरिया मापन करनी होती है तब हम उसे वर्ग यूनिट में नापते हैं, और जब भी उसका आयतन मापना होता है किसी भी आकृति का तब हम उसको किस में मापते हैं, उसको घन में यानी कि क्यूबिक में। तो इस घन और वर्ग का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, वर्ग और घन का मतलब पहले समझ लीजिए। वर्ग का मतलब होता है जब भी किसी भी दो संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हम वर्ग कहते हैं। जैसे दो गुणे दो को हम किया तो चार आया, तो यहाँ पर दो जो है दो का ये वर्ग है चार। जैसे तीन का वर्ग क्या होगा, तीन गुणे तीन यानी कि नौ। वैसे अगर कि जब घन पूछा जाए कि दो का घन क्या होगा तो दो गुणे दो गुणे दो यानी कि आठ आपका आ गया। वैसे तीन का घन अगर पूछा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, उसको हम तीन बार गुणा करेंगे यानी कि सत्ताईस। तो जब वर्ग और घन में ये एक छोटा सा अंतर होता है, लेकिन जब हम मापन करते हैं तो उनमें जब वर्ग फुट आता है, घन फुट आता है या वर्ग सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो यूनिट होती है, जैसे हम जानते हैं कि लंबाई को मापने के लिए अगर किसी भी चीज़ की लंबाई मापनी है तो हम उसके मापन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। मीटर में उसको माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, इंच में माप सकते हैं। तो मापने के लिए जो मापन है वो कई हो सकते हैं। अब उनमें से आपको किस चीज़ में नापना है, मापन करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम किसी एक चीज़ को पुट कर लेते हैं यानी कि ले लेते हैं। तो मान लिया कि हम फुट में हमें नापना है, तो जब हम फुट में किसी चीज़ को नापते हैं तो उनमें जब एरिया नापना होता है, अब हम ये समझते हैं कि एरिया क्या होता है। जैसे एरिया किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया वो स्थान यानी आकृति के भीतर, जो किसी भी आकृति के भीतर उसमें धरातल या समतल के रूप में मौजूद होता है या उसके फर्श के रूप में मौजूद होता है, उसे हम एरिया कहते हैं। जैसे अगर कोई पार्क है और पार्क के एक ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक के अंदर जितना स्थान है उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे, एरिया कहेंगे। जैसे आपका मकान है, मकान के ऊपर जो आपकी छत है तो छत के चारों ओर किनारे होते हैं यानी कि आपकी रेलिंग बनी होती है, तो उस रेलिंग के अंदर जितना एरिया है छत का उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एरिया कहते हैं यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं। वैसे घर के अंदर यानी कि रूम के अंदर जो आपके फर्श है तो फर्श का जो एरिया हुआ उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब जब भी कोई भी आकृति जो स्थान घेरती है या उसके अंदर कोई द्रव्य या पदार्थ या कोई भी लिक्विड डाली जा सके उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे आपका एक ग्लास है, ग्लास के अंदर जितना आपने पानी भर दिया तो जितना पानी आ सके, तो जितना पानी आ सके वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे आपका एक रूम है, रूम के अंदर जितनी रूम आपका खाली रूम है और रूम के अंदर जितनी हवाएं उसमें भरी हुई है तो वो जो हवा भरी हुई है वो उसका पूरा आयतन होगा। ऐसे अब आपको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि आयतन और क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है। देखिए दोस्तों, ये आपका एक घन के आकार का बॉक्स है। अब इस बॉक्स में क्या क्या है, इस बॉक्स में आपके ये आपका बॉक्स घनाकार बॉक्स, घनाभ के आकार का बॉक्स है। घनाभ किसे कहते हैं,
जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीजें होती हैं, उनमें आपके घन भी हो सकते हैं और घनाभ भी हो सकते हैं। घन कब होंगे? जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर, मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, लेकिन इनमें तीनों बराबर नहीं दिख रहा है आपको। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इनमें अलग है, तो ये आपका क्या है? घनाभ के आकार का है। अब इनमें समझते हैं कि इसका आयतन क्या है और इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसका देखिए ये वाला पार्ट, आप फ्रंट वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट, तो ये पार्ट में इनमें क्या चीज, कितनी भुजाएं दिख रहे हैं? चार भुजाएं, एक दो तीन चार, दो भुजाएं आमने सामने की, ये बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर। तो इन दोनों भुजाओं में अगर आपको कितनी चीजें हैं, दो चीजें। अगर इनका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये इसकी लंबाई है, लंबाई सेम है, ये इसकी चौड़ाई है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे। अब मान लिया हमने इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, कितनी 4 सेंटीमीटर, तो 8 को 4 से गुणा किया 32। अब देखिए ये सेंटीमीटर में था, किसमें था, हमने मापा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में था तो यहां पर क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर यही चीज अगर मीटर में नापते हैं, केवल मीटर में, तो दोस्तों यहां पर आ जाता वर्ग मीटर। अगर इसी को हम फुट में नापते तो यहां पर आ जाता वर्ग फुट। अब देखिए आप समझ चुके हैं कि इनमें अगर इस पूरे बॉक्स का एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें और इसका एरिया निकालें और इसके ऊपर का एरिया, यानी कि चार चीजें, और दूसरा ये चौड़ाई वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन पूरे पार्ट का लंबाई और चौड़ाई करके निकाल के जब हम पूरा जोड़ देंगे तो ये इस बॉक्स का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी आकृति में जो स्थान घेरती है चारों ओर, ऐसा स्थान जो समतल के रूप में घेरती है। अब यहाँ पर देखिए हम समझते हैं कि आयतन क्या होता है। देखिए आयतन में क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। यहाँ पर ये क्या था आपका, क्षेत्रफल है, ये आपका क्षेत्रफल है। अब देखिए आयतन क्या होता है, तो आयतन निकालने के लिए आयतन में हमने बताई कि तीन चीजें होती है। आयतन बताया हमने कि देखिए इनमें ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई और यहाँ आपकी, ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो इनमें तीन चीजें आपको दिख रही हैं। अब इन तीनों चीजों को जब हम गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आयतन। लेकिन आयतन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके इस बॉक्स के अंदर जितना भी, इनमें चाहे पानी भर दो या कोई बालू भर दो, मिट्टी भर दो, तो जितना इसमें आएगा वो इसका आयतन कहलाएगा। हम आशा करते हैं कि आयतन और क्षेत्रफल के बारे में आप समझ चुके होंगे। आइए हम वर्ग फीट और घन फीट में अंतर क्या होता है। अब जैसे आपने इस बॉक्स का ले लिया कि 8 सेंटीमीटर लंबाई थी, चौड़ाई इतनी थी और ऊंचाई मान लिया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 64। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में हमने इस बॉक्स को मापा है तो यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर घन सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। अब देखिए घन सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर कैसे बन गया आपका। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई आपकी जो थी, हम जानते हैं कि लंबाई कितनी मापी जाती है, आपने मापा है सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, तो 2 बार। तो जब देखिए यहाँ पर, जब अभी हम बता रहे थे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आप कह रहे थे 2 को 2 से गुणा, तो 2 × 4, तो ये आपका वर्ग कहला रहा था। यानी कि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार गुणा है, तो जब इसे सेंटीमीटर 2 बार गुणा होता है तो इसे कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए आपकी ये यूनिट वर्ग सेंटीमीटर में आ जाती है। ऐसे जब आप आयतन निकाल रहे हैं तो इनमें क्या होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर देखिए लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में। अब जब आप घन निकाल रहे थे तो 2 × 2 × 2, यानी किसी भी संख्या को 3 बार जब गुणा करते हैं तो उसे घन कहते हैं।
यहाँ पर देखिए लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, ऊंचाई सेंटीमीटर में है तीन बार, तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आपका हुआ कि घन सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर में क्या अंतर है। तो घन सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर टोटली एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि डिफरेंट हैं, और जैसे क्षेत्रफल और आयतन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वैसे वर्ग फुट और घन फुट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आशा करता हूं कि अब आपको क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझ में आ गया होगा, वर्ग फुट घन फुट के बारे में भी। अगर इससे संबंधित और भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।